हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 23 करवाने जा रहा हूँ। ये 23 सितंबर की रहेगी, क्लास 6 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगी। आज हम वर्कशीट जो करने जा रहे हैं ना, वो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट जो वर्कशीट करी थी वो भी फ्रैक्शन से ही रिलेटेड थी, लेकिन उसमें हमने एडिशन सीखा था। और इस जो वर्कशीट में हम सब्ट्रैक्शन जो है करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो फ्रैक्शन है वो दो टाइप की हमने पढ़ी थी, एक लाइक फ्रैक्शन और दूसरी जो है अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ी थी। लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है, और अनलाइक वो होती है जिसका जो डिनोमिनेटर जो होता है वो डिफरेंट होता है। पढ़ी थी ना डियर स्टूडेंट्स हमने अच्छे से। आज हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि किसी में से अगर हमें कोई चीज़ घटानी है जो फ्रैक्शन में है, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हम फिगर से उसे समझें तो आपको पता है ना कि जैसे हम कोई भी फिगर बनाते हैं तो जो नीचे लिखा होता है हमें उसके उतने पार्ट करने पड़ते हैं। जैसे अगर हमने सर्कल बनाया तो नीचे चार लिखा तो उसके हमें चार इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, और अगर हमने रेक्टेंगल बनाया और यहाँ चार लिखा तो हमें उसके चार इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, है ना। और ऊपर जो लिखा होता है उतने हमें कलर करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो 1, 2, 3 पर हमने कलर कर दिया। ऐसे यहाँ पर 4 लिखा है तो इसके भी 4 पार्ट कर दिए, और ऊपर जितना लिखा उतने हमने कलर कर दिए। अब आप ध्यान से देखिए, 3 कलर हैं यहाँ पर हैं और यहाँ पर 2 कलर हैं, तो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 1 कलर बचा। तो हमने क्या सीखा कि अगर नीचे डिनोमीटर सेम है तो हम अगर ऊपर वैसे यानी कि जो हमारा न्यूमीटर है उनको घटा दें तो वही आंसर आता है, ठीक है, जैसे पिक्चर में हम सब्ट्रैक्ट करने पर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक टर्म बहुत इजी होती है, कि हमें जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको तो सेम लिखना होता है, लेकिन जो न्यूमरेटर होते हैं उनको हमें घटाना होता है। ये याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि जो डिनोमिनेटर है ना वो आपको सेम लिखना है, क्योंकि कहीं बच्चों के माइंड में शुरू में हो सकता है कि 6 में से 2 गए 4, 8 में से 8 गए 0 लिख दो। नहीं, अब आप समझ गए ना कि अगर नीचे वाली रकम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको उसको एक बार लिखना है, और ऊपर जो आपको नंबर दे रखे हैं उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर इतना काम ख़त्म नहीं हुआ, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 4 और 8 आते हों। अगर ऐसा है तो अब आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 के टेबल में 4 और 8 दोनों आते हैं। तो 4 के टेबल में 4 कौन सा नंबर आता है, 1 नंबर पे, और 8 2 नंबर पे, तो 1/2 आंसर आ गया। जो ऊपर आएगा, ठीक है, वो आपको ऊपर लिखना है, और जो नीचे आएगा वो आपको नीचे लिखना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में हो जाता है कि 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ नीचे 2 बच रहा तो बच्चे ऊपर 2 लिख देते हैं। नहीं, अगर न्यूमरेटर में जो रकम बचेगी वो आपको ऊपर लिखनी है, और डिनोमिनेटर में जो बचेगी वो नीचे लिखनी है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड शो करके दिखा दे, 4 के टेबल में 4 1 नंबर पे आता है, 4 के टेबल में 8 2 नंबर पे आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइक फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है ना अनलाइक फ्रैक्शन बताऊँगा, लेकिन एक और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें और एग्जांपल दे रखे हैं लाइक टर्म के, तो इनको फटाफट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ दोनों जगह 7 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक बार लिखा और न्यूमिनेटर में हमने लेस कर दिया, 1 आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर भी आप देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर भी 7 7 है, तो एक बार लिखा और ये न्यूमिनेटर को एक साथ लिखा, और जब हमने न्यूमिनेटर को एक साथ लिखा तो घटाया तो कितना आ गया, 2, और 2/7 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए 13 13, एक बार लिख लिया, 5 में से 2 हम लेस करेंगे तो 3 आ गया, और 3/13 आ गया। ऐसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 19 19 दे रखा है, एक बार लिखा, 7 -5 लिखा, 7 -5 = 2/19 आ गया। तो अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि लाइक जो फ्रैक्शंस होती है उनको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब फटाफट अनलाइक पर चलते हैं। देखिए, अनलाइक सब्ट्रैक्शन अगर आपको करनी है, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन की अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल यही है कि अनलाइक जो फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में बदलिए,
ठीक है, बाकी रूल सेम हो गए। जब आपने लाइफ फ्रैक्शन में कर दिया तो डिनोमिनेटर को आपको एक बार लिखना है और न्यूमिनेटर में आपको घटा देना है। अब देखिए कैसे करना है, अभी ये फिगर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो है आप ये चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पर 2/3 लिखा है, 1/4 लिखा है ना, तो आपको ये जो 4 दे रखा है ना, इसको इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है आपको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 2/3 लिखा है, ठीक है, तो आप ये जो 4 है ना इसकी मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ जो 1/4 लिखा है, ये जो 3 है ना, इसको आप यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई करा हुआ है। समझ में आ गया? जैसे अगर ये अमाउंट है तो इस अमाउंट में आपको दूसरे वाले के डिनोमिनेटर की दोनों में मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर कर रखा है। ऐसे ही आपको यहाँ जो 1/4 लिखा है ना, आपको 2/3 जो दे रखा है ना, उस पर जो डिनोमिनेटर है उसकी दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। अब आप देखोगे 4 × 2 = कितना होगा, 8। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 = 8 आ गया ऊपर, 3 × 4 = 12 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए 3 × 1 = 3 आ गया, 4 × 3 = 12 आ गया। अब ऊपर में से ऊपर घटा दीजिए, 8 में से 3 गए 5, नीचे 12 का 12 आ जाएगा। देखो जब लाइक टर्म हमने बना दी तो सेम ही तो करना है, सेम कर दिया। अब आप इस फिगर को समझिए, देखिए अगर आपको इनको फिगर में दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो आपको 2 सेम कोई भी शेप सेम बना लेनी है, आप सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, हम जब ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप कोशिश करो कि आप रेक्टेंगल या स्क्वायर ही बनाओ, इससे क्या होता है कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हमने क्या करा, 2 सेम बॉक्स बना दिए, एक ये वाला बॉक्स बना दिया, एक ये सेम बॉक्स बना दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद आपको मैंने बताया था ना कि जितना नीचे लिखा होता हमें उतने उसके पार्ट करने पड़ते हैं। तो आप कहेंगे सर ये वाली फिगर कौन सी, अभी बताता हूँ, पहले इसको और इस फिगर को ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 लिखा है ना, तो आपको इसके 3 पार्ट करने होंगे। तो देखो 1, 2, 3 पार्ट हो गए, और यहाँ कितने लिखा है, 1/4, तो नीचे जो 4 लिखा है हमें उतने पार्ट करने हैं। तो हमने इसमें हमने यहाँ पर वर्टिकल जो है पार्ट कर लिए, कैसे कर लिए, वर्टिकल, और यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल कर लिए। देखो जब हम ऐसे खड़ी खड़ी लाइन की बात करते हैं ना उसे वर्टिकल कहते हैं, और जब हम ऐसी लाइन डालते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो देखो नीचे 3 लिखा तो 3 पार्ट करें, यहाँ 4, तो 1, 2, 3, 4 पार्ट कर लिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि जितना ऊपर लिखा होता है उतने पर कलर करना होता है, तो 3 में से 2 पर कलर कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर 4 में से 1 पर कलर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब भी ये अनलाइक फ्रैक्शन होगी, अभी बताया था ना अनलाइक फ्रैक्शन होगी तो आपको पहले से लाइक में बदलना पड़ेगा, और लाइक में बदलने के लिए इस 4 की दोनों में मल्टीप्लाई और इस 3 की दोनों में मल्टीप्लाई, इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब आपने नीचे क्या देखा है, 12, कितना देखा है, 12। अब आपको यहाँ पर कितने आपने बनाए बॉक्स, 3, यहाँ पर कितने, 4। अब आपको इन दोनों में 12 12 करने हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है आप क्या करेंगे, देखो ये जो है ना ये फिगर, और यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं, इस ये वाली जो लाइन है हम इसमें ड्रॉ कर देंगे। जब हमने ये वाली लाइन है इसमें ड्रॉ करी ऐसे, तो हमारा ये बन गया। ऐसे ही ये जो लाइन है ये वाली इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर बन जाएगी। अब समझ में आ गई, हमने इस नीचे जो बेस 12 ना, 12 लाने के लिए कैसे चेंज कर दिया, ठीक है, और इससे आपको पता भी लग गया कि 12 कैसे आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि जब 2/3 था तो 2 पे कलर था, और हमने ये वाली फिगर सेम बना के बस ऐसे यहाँ लाइन डाल दी, तो अब अपने आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 बॉक्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए ना 12। और अपने आप ही देखो ऊपर 8 आंसर आ रहा है, देखो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ऊपर वो होता है जितने पर कलर हुआ होता है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और देखो यहाँ पर 4 में से 1 पे कलर था, और यहाँ पर अपने आप 1 2 3 बॉक्सेस हो गए, और 12 में से 3 पर कलर है। अब देखो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम 8 में से 3 के कितने बचे, 5 बाय 12, 5 बाय 12,
तो यहाँ पर एक फिगर नहीं बना के दिखाई, क्योंकि ये तो आपको समझा रहे थे, है ना, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई फिगर नहीं बनाई जो आप इसका आंसर बताती, है ना। तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिगर कैसे करने हैं, कैसे बनाते हैं। नहीं आई तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना। अब फटाफट हम जो है दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल हैं, फिर हम वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे जो आपको कॉपी पर करने हैं। अब देखिए, अब ये जो 3 है ना, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही ये जो 5 है ना, है ना, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखो, 15 जो 5, 35 जो 15, ऐसे ही 13 जो 3, 5 जो 15, ऐसे ही 5 में से 3 गए, 2 बचे, 15 15 एक बार लिख लिया तो 2/15 आंसर आ गया। समझ आ गया, मतलब मेन क्या है, अगर आपको जो है अलग अलग डिनोमिनेटर दिए होते तो आपको सेम करना है, और सेम कैसे करना है, इस 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, और ऐसे ही आपको क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए 4 4 लिख दिया, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये वाला 4 इन दोनों के साथ लिख दिया, ऐसे ही यहाँ देखो दोनों जगह 3 3 लिख दिया, इसका 3 इन दोनों के साथ लिख दिया, तो आप देखिए ये कितना हो गया, 4 4 16, 3 4 12, 3 3 9, 4 0 12, ऐसे ही देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना, हाँ या ना, सेम हो गए ना, तो 12 आ गया और 16 में से 9 गया 7। तो आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अब फटाफट हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे केवल क्वेश्चन समझ रहे हैं तो वो भी इनको अच्छे से समझ लें, ताकि उनको वर्कशीट पूरी समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ बोला गया फाइंड अ डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन। आपको ये जो लाइक फ्रैक्शन दे रखी ना, मैं आपको दोबारा बता दूँ, लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे दोनों के नीचे 9 9 लिखा है ना, तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ऐसे दोनों के नीचे 17 लिखा है तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो अब आप फटाफट ये क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लो, और जो बच्चे अच्छे समझ रहे हैं ना, वो उसका आंसर देने की कोशिश करो। अब मैं आपको सीधा आंसर की ओर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, चलो आंसर देखो। देखिए पहले का आंसर है, ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया, अगर आपने नहीं लिखा तब थोड़ा वीडियो को पीछे करके आराम से देख लें, ओके। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 7 में से 5 गए, 2 बचे, नीचे 9 का 9 आ गया। क्लियर हो गया आप सबको, चलो आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड, ठीक है, ये हिंदी में इसे आप नहीं लिखेंगे, ओके। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, 17 17 दे रखा है, 17 लिखा, 14 -3 लिखा, 11/17 आ गया, ठीक है। और देखिए मैंने इस वीक की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस बना दी हैं, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, एक दो बची होंगी तो उसे भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी वीडियोस। अब फटाफट सेकंड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। अब देख सकते हैं ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें डिफरेंस निकालना है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखे, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते ना, उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फटाफट करें इसको, ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया ना, चलो अब आंसर देखते हैं। पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीखना तो आपको है, मैं तो केवल आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखिए आराम से, ये जो 6 लिखा है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही जो ये 11 लिखा है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप देखिए 6 6 = 36, 11 6 = 66, 11 1 = 11, 6 11 = 66, ऐसे 36 में 11 गए 25, और 66 एक बार हो गया, और 66 सेम उतार दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर जब हो जाकर ना, ऐसे डॉट बनाता करो, एक डॉट लगाता करो, ठीक है, ऐसे डॉट लगाता करो, टीचर समझ जाएगा, फिनिश, ओके। अब उसके बाद है सेकंड, सेकंड में भी आपको क्या करना है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, और इस 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ ना इसको एलसीएम के तरीके से, तो आप एलसीएम के तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो वर्कशीट में समझाया जा रहा है, अभी वो भी सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें, ओके। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं वही करवाता हूँ जो वर्कशीट में आपको मेंशन किए गए हैं, ओके। तो
तो देखो ये 7/9 है, इस 3 को इन दोनों के साथ लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पर 2/3 है, इस 9 को दोनों के साथ लिख दिया, ठीक है। और ये हिंदी में आप ना लिखिएगा, ठीक है, ये आंसर आप जो है यहाँ से आंसर है, ओके। ये मैंने आपको बता दिया था पहले में, लेकिन दूसरे में भी वही है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब आप देखिए 7 3 21 हो गया, 9 3 27, 2 9 18, 3 9 27, ऐसे ही 21 से 18 लेस करेंगे तो 3, और 27 27 का 27 आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 और 27 आता हो, तो 3 का टेबल है, तो 3 1 3, 3 9 27, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर हम इसको इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं, सर 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 डिवाइड कर दें। हाँ देखो, 3 के टेबल 3 वन नंबर पर आता है, और 3 के टेबल 27 9 नंबर पर आता है, तो आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस ये यहाँ पे। अगर आप नहीं लिखते, आप ऐसे लिखेंगे तब भी आपका सही है, ओके। मैंने दोनों चीज़ें बता दी, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से पूरी वर्कशीट आपको अच्छे समझा दी गई है। कोई भी आपको फिर भी कुछ कमी लगे तो आप ज़रूर बताना, ताकि मैं उसमें और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियोस आपके लिए स्पेशली बनाई जाती हैं। अच्छा, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ आंसर करना चाहते हो, आराम से देख सकते हैं, ओके। थैंक यू वंस अगेन।